मन नहीं कर रहा है इसको लेके जाने का भी। पर आज ऐसा मैसेज हो रहा है जैसे मैं सीमा बुज्जू को जिस दिन छोड़ने मजबूरी में जा रहा था ना, बट आज कोई मजबूरी नहीं, आज मेरे को मजबूरी इसकी है कि इसका इसकी सेहत ठीक हो जाए जब तक ये। फिर इसको वहाँ पे बहुत सारे मंकी जो जो हम रेस्क्यू करते हैं बच्चे, उनके साथ उनके उनके साथ में रखेंगे इस इनको, तो उनको एक इनका नेचर देखे, क्योंकि ये बिल्कुल ओके है हाथ पैर से अभी, बट सेहत से ठीक नहीं है अभी। तो सेहत जब तक इसकी ठीक नहीं होती तब तक इसको, और वैसे भी बच्चा है बाहर जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो हम जो भी और बच्चे हम रेस्क्यू करके हम इस आर में रखते हैं ना, तो वहाँ पे इसको उनके साथ में ढाल के इनको अच्छी दोस्ती दास्ती करके इनकी 2 महीने 3 महीने जब भी जितना भी टाइम लगेगा, 6 महीने साल जितना भी लगेगा, तो उसको बाहर रख के इसको फिर एक अच्छी सी ज़िंदगी देंगे जहाँ पे अच्छी फल फ्रूट भी होंगे, जहाँ पे अच्छे पेड़ होंगे, जहाँ पे ये सर्वाइव कर पाए, और या वरना कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे हैं, कोई जैसे आजकल डेरे वगैरह होते हैं ना जहाँ पे, तो उधर भी हम इसको छोड़ सकते हैं, मतलब जैसे अवेलेबल होगा जैसे भी हमारे कुछ, क्योंकि क्योंकि ये बेड के ऊपर भी जंप नहीं कर सकता। तो चलो मुखा टेक लिया, ये चले बैठ गए, ठीक है बाय गबू भाई, मानर बाय भाई बोल रहे हैं, चलो नदी देखो इसको ज्यादा उछल कूद ना करे, और वैसे भी पुट्टी पट्टी दिन कर के इसको डायपर डाला था ना, बेच दिया अभी डायपर, चलो जी आप आवाज उठा रहे हैं, ये देखो बाबू आप आवाज उठा रहे हैं, चल बस अब मजा करते हैं, तेरे को दहेज में ले देंगे जब तेरी शादी होगी ना, तो दहेज में ले जाना इसको, ठीक है, फिर तेरे ससुराल वाले बोल लेंगे ये तो इसको पाल ले हमें पाल ले, चलो आ जाओ दे दे, लेट हो रहे बेटा पहले पकड़ लिए ना, चलो करो भाई, चल भाई भाई चल छोड़ दे, हाथ बाहर निकाल, देखो पीछे बैठा था है भी इधर कभी, फिर अभी आ जाओ, आ जाओ भाई इधर अंदर आ जा, ओ बोलो आ जाओ भाई, उनके अंतरी महा का फिर गया मैंने सारे हाथ गंदे कर दिए,